data analysis in india mark mission welcomes in order to make you more alert and able for the fourth coming competitive exams especially for civil service exams but the first and foremost thing which must be considered in order to make this channel more accountable and accurate is nothing but the like share subscribe and comment because it makes me because it makes me more accountable and responsible before you let me allow to put the subject matter before you my dear students नाउ वंस अगेन आई कैम बी फॉर यू टू मेक यू अवेयर अबाउट डाटा एनालाइसिस तो डाटा एनालाइ डाटा एनालाइसिस इन इंडिया डाटा एनालिसिस मतलब इंडिया में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर जो डाटा यूज होते हैं एक खास प्रक्रिया के द्वारा देशभर से एकत्र किए जाते हैं और ये आप जानिए एन एस ओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और उसके साथ एक एजेंसी आप और देखते होंगे चौक चौराहों पर भी इसका लगा रहता है बोर्ड बैनर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देशभर से प्राइमरी डेटा रॉ मटेरियल कंजम्पशन के मामले में एक्सपेंडिचर के मामले में इंप्लायमेंट के मामले में इनकम के मामले में एग्रीकल्चरल आउटपुट के मामले में इंडस्ट्रियल आउटपुट के मामले में इन्वेस्टमेंट के मामले में जो भी मामले में जितनी भी डेटा आप देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल लोकल लेवल पर जो आप यूज करते हैं वो सब प्राइमरी उसका कलेक्शन करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेसो और नेशनल लेवल पर वो एनालाइज होता है कई सारे संगठनों के द्वारा उसमें आप सी एस ओ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप जानते हैं ये सीएसओ है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और इन सबके ऊपर एक रिव्यू पैनल होता है जिसे एस ई सी कहते हैं और ये एस सी सी आया टू थाउजेंड नाइनटीन में अब देखिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर डेटा को एनालाइज करके प्लान के लिए गवर्नमेंट को और सूचना के लिए पब्लिक को उपलब्ध कराना काम है किसका सीएसओ का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्राइमरी डेटा रिसीव करता है नेशो से इसके बाद ये एस सी ई सी जिसका मतलब होगा स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स ये 2019 में बना था अब इसको रिवाइव किया गया है इसको रिवाइव किया गया है इसी को ओवरऑल किया गया है अब यह है क्या तो ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर देता था आंकड़े को जो संशोधन करता था उसको ये फाइनलाइज करता था कि वो कितना एक्यूरेट है कितना सही है या उसमें किस तरह की कमी है कैसे उसकी क्वालिटी को और बढ़ाया जाए तो इसको देखने के लिए एक रिव्यू पैनल कमेटी क्या रिव्यू पैनल कमेटी बना जिसका नाम था स्टैंडिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लेकिन अब ये रिवाइव किया जा रहा है और इसकी जगह पर क्या आ रहा है वो आ रहा है इस स्टैंडिंग कमेटी तो वही रहेगा ये ओ एक, एक स्मॉल ले लो आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स क्या है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स इस संस्था को रिप्लेस करने जा रहा है ए ऐसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू करके कहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स था उसको रिप्लेस किया जा रहा है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स आज के बाद काम करेगा अंतर सिर्फ यह है कि यहां इकोनॉमिक वर्ड था यहां इकोनॉमिक को हटा दिया मतलब ये जो एस सी ई एस था वो पहले एस सी ओ के सारे डेटा को रिवाइज नहीं कर सकता था उसको एडिट नहीं कर सकता था सिर्फ इकोनॉमिक को अब ये जो नया रिव्यू पैनल बना है उसको पावर है कि ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स के लिए स्टैंडिंग कमेटी है किसके लिए था इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स के लिए आर्थिक डेटा को ये एनालाइज कर रहा था और ये सब तरह के डेटा को एनालाइज करें तो एक तरह से आप कहिए कि एस सी जो 2019 में रिव्यू पैनल क्या रिव्यू पैनल के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इस रिव्यू पैनल के पास जो अधिकार क्षेत्र था वो सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स का था आर्थिक आंकड़ों को लेकर ये उसमें संशोधन सुधार और उसको अपडेट करने का काम कर सकता था अब इसको रिवैंप किया गया है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स के नाम से और यहां ये कहा जा रहा है कि अब ये सारे तरह के डाटो, डाटे, डाटे, डे, डेटा को एनालाइज करेगा और उसको मॉडरेट फॉर्म देगा मॉडरेट मशीनरी उसमें अप्लाई करने के ट्रैक डेवलप करेगा और उसको ज्यादा बेहतर बनाने का काम करेगा जो काम ये पहले सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स के लिए करता था अब सारे तरह के स्टेटिस्टिक्स के लिए रिव्यू पैनल बन गया तो रिव्यू पैनल पहले भी था पहले वाला रिव्यू पैनल सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स को ही रिव्यू कर सकता था अब 24 में 23 में जो नया रिवाइव करके बना है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स ये किसी भी तरह के स्टेटिस्टिक्स को रिव्यू करेगा तो यहां आपने यह देखा कि दो ऑर्गेनाइजेशन है एजेंसीज हैं मेजर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक का अपने नाम सुना होगा आईएसआई इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान मत पहुंच जाइएगा ये सही सिर्फ सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ही नहीं है हमारा एक बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट भी है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तो इन सब के जरिए इंडिया में डेटा एनालिसिस होता है लेकिन फिर हमको ये पैनल रिव्यू कमेटी क्यों बनाना पड़ा सवाल है 19 में हमने बनाया फिर 19 में जो रिव्यू कमेटी बनाया अंदाजा तो यही लगा सकते हैं कि शायद रिव्यू कमेटी ने कुछ अच्छा किया किसके साथ इकोनॉमिक के साथ तो अब ये माना गया कि सारे को उसके अधिकार क्षेत्र में ला दो तो हम इनको रिमैम करके और सारे स्टेटिस्टिक्स के लिए रिव्यू पैनल बना रहे हैं पहले जो रिव्यू पैनल बना था टू में वो सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स को ही रिव्यू करता था तो ये जरूरत क्यों पड़ी इसलिए कि कंजम्पशन को लेके एक्सपेंडिचर को लेके इनकम को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके पिछले महीनों में या खास करके कहें कि तीन महीनों के जो डेटा आए और मार्केट में इन्फ्लेशन का महंगाई का जो स्तर बना हुआ है और सरकार ने कम करने के जो प्रयास किए हैं या आरबीआई ने जो प्रयास किए हैं इन सबके बीच कुछ विसंगतियां पैदा हो रही थी और ऐसा माना गया कि जो डेटा एनालिसिस हो रहा है वो कहीं ना कहीं से एक्यूरेसी में औसत से भी कम है क्रेडिबिलिटी की समस्या थी कि जो डेटा आज आ रहे हैं वो सही नहीं है क्रेडिबिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया रिव्यू पैनल स्टेब्लिश किया कब किया 19 में 19 वाले रिव्यू पैनल का नाम था सिक्योरिटी स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स अब इसको रिप्लेस करके 2013 में क्या लाया गया है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स पहले जो रिव्यू कमिटी था वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था इकोनॉमिक डेटा को ही रिव्यू कर सकता था अब जो पैनल बनेगा जिसका नाम होगा क्या स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स किसी भी तरह के डेटा को एनालाइज करेगा अब इसी बात को आइडिया को इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में रखता हूं ताकि चीजों को समझने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन का लेवल क्या हो हम परीक्षा में कल इस इंफॉर्मेशन को किस लैंग्वेज में रखें कैसे रखें तो इसके लिए मैं द बेस्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट स्टीम्ड न्यूज पेपर द हिंदू से स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेने की कोशिश कर रहा हूं देखिए वो ऐसे कहते हैं द यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए न्यू इंटरनल ओवरसाइट मैकेज फॉर ऑफिशियल डेटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म ऑफ ऑफिसियल डेटा नियल डेटा कि भारत में जो ऑफिसियल डेटा का कलेक्शन हो रहा है और जो एनालाइज हो रहा है उसको रिव्यू करने के लिए हैज कंस्टिट्यूटेड ए न्यू इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म उसका आंतरिक रूप से विशेष निरीक्षण संवर्धन करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया है री विंग अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक सेटअप इन लेट 2019 नाइनटीन सुन आफ्टर द फाइंडिंग्स फ्रॉम द लास्ट राउंड ऑफ हाउसहोल्ड सर्वेज ऑन कंजन एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा क्वालिटी इशू क्लियर है कि पिछले महीनों में जो डेटा आए कंजम्पशन को लेके इंप्लॉयमेंट को लेके और एक्सपेंडिचर को लेके ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एंप्लॉयमेंट वेयर जंक्ड साइटिंग डेटा क्वालिटी इशू तो इसमें डेटा क्वालिटी इशू क्रिएट हो गया क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन खड़े होने लगे किस को डेटा कोर डेटा के एनालिसिस के लेवल को लेकर तो क्या हुई कि एन इन एन ऑर्डर इशूड लास्ट थर्सडे द स्टेटिक्स मिनिस्टर इन एन ऑर्डर इशूड लास्ट थर्सडे द स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री सेट दैट द एस सीईसी एस सी एस सी एस एस सी एस विच वॉज टास्कड विथ

Can examine any type of official data, not only economic. So you have to see. In an order issued last Thursday, the Statistics Ministry said that the SCES, which was tasked with examining economic indicators only, will now be replaced by a standing committee on statistics. स्टेटिस्टिक्स वीच हैज अडर मैंडेट अब इसका जुरेडिक्सन इसका एरिया क्या है ब्रॉडर है ज्यादा है विच हैव अ ब्रॉडर मैंडेट टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट ऑफ ऑल सर्वे कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस को जितना भी एजेंसी का डेटा राष्ट्रीय रूप से जहां जाता है तो उसको भी अब इतना कितना सारा इंस्टीट्यूट जानिएगा मेजर हमने हेड बॉडी दे दिया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अब ये क्या है ए जो सी एस ओ है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसी का है क्या है एक मतलब सेंट्रल ऑफिस है जहां सारी डेटा एक साथ रखी जाती है या वहां से किसी को प्रस्तुत करने की सुविधा होती है तो यहां जो भी डेटा सी एस उपलब्ध कराता है अब वो सारे डेटा को एनालाइज करेगा कौन एस सी ओ एस इसके पहले हमने रिव्यू पैनल के रूप में क्या बनाया था एस सी एस तो बार बार रहा हूं जोर दे रहा हूं ध्यान रखिएगा अगले आने वाले परीक्षा में पीटी से लेके मेंस तक कहीं ना कहीं इससे आप जूझने वाले हैं क्योंकि जो लोग परीक्षा के पैटर्न के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानते हैं उनको विषय वस्तु को समझने की पकड़ है परख है और उसी दृष्टिकोण से उसी दावे से मैं कहता हूं कि ये जो रिप्लेसमेंट है इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे या किसी भी तरह के सर्वे को लेकर जो डेटा है उस पर विश्वसनीयता को लेकर जो संकट है उसको ब्रिज करना ख़त्म करना ज़रूरी था इसके लिए 19 में भी प्रयास हुए और जो प्रयास हुआ वो शायद बेहतर रहा और उसी की वजह से पहले जो रिव्यू पैनल था वो सिर्फ इकोनॉमिक डेटा को लेके था अब जो बनाया है वो सारे ऑफिशियल डेटा को रिव्यू करेगा तो अभी तक मूल बात यही मिली है अब मैं यदि अगले सेक्शन में आऊं तो वहां कह रहे हैं कि द सी एस सी ओ एस जो न्यू बॉडी है द एस सी ओ एस विथ इनहेंड टर्म्स ऑफ रिफरेंस द एस सी स टू इंश्योर मोर कवरेज बिल्कुल क्लियर है हेज टेन ऑफिसियल मेंबर्स एंड फोर नन ऑफिशियल मेंबर्स हु आर इमिनेंट एकेडमिशियंस ये बात हुई यहां जानेंगे हम लोग यह कह रहा है कि टेन गवर्नमेंट टेन गवर्नमेंट और चार नन गवर्नमेंट मेंबर होंगे लेकिन ये फोर्टीन ही रहेंगे जरूरी नहीं है दो और लिया जा सकता है ये मेंबर सिक्सटीन भी हो सकते हैं लेकिन इतना जरूरी है कि एटलीस्ट टेन मेंबर गवर्नमेंट के नॉमिनीज होंगे और फोर मेंबर नॉन गवर्नमेंट एकेडमिशियन होंगे एक्सपर्ट होंगे तो ये फोर्टीन टू सिक्सटीन मेंबर कमेटी इस रिव्यू पैनल में होगा जिसका नाम दिया है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स विच इज द न्यूली फॉर्म्ड बॉडी दैट रिप्लेस्ड द स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन टू थाउजेंड नाइनटीन इन द डेवलपमेंट कम्स एम इट शार्प क्रिटिक्स ऑफ इंडिया स्टेट स्टिकल मेंबर्स ऑफ़ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन विवेक देवरॉय अब इनको भी जानना जरूरी है बहुत जरूरी है। सिर्फ अजीत डोवाल को जानने से काम नहीं चलेगा विवेक भी वाले नहीं है बी वाले हैं बी बेक देखिए ऐसे लिखेंगे विवेक बीव, देवरॉय ये विवेक देवरोय जो है वो आपको पता है ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके चेयरमैन है तो आप कहिए कि ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं? तो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार विवेक देवरोय ने ये ओवरऑल ओवरऑल का जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं एस सी ई एस से कहा जा रहे हैं एस सी ओ एस में इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो माइंड है जो दिमाग है जो व्यक्ति है वो है विवेक देवराय और ये विवेक देवरोय कौन है तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इकोनॉमिक एडवाइजर एडवाइजरी काउंसिल है आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका हेड है तो ये प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवरॉय और यही वो व्यक्ति है जिसने इस रीवैम्प या ओवरहॉल वाले कार्यक्रम को तैयार किया है जो पहले था स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स अब होगा इकोनॉमिक स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स तो ये सर विवेक देवराय से हमने परिचय लिया और विवेक देवराय को जानने के साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि ही हैड मूटेड एंड ओवरऑल ऑफ द सिस्टम एंड कंटेंडेड दैट द इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस हैज टाइटल एक्सपर्टाइज इन सर्वे डिजाइन द टर्म ऑफ द एस सी एस वॉज कमिंग टू एन एंड इन एनी केस सो इट वॉज डिसाइडेड टू एक्सपैंड कमिटीज मैंडेट बियॉन्ड इकोनॉमिक डेटा एंड एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑन टेक्निकल आस्पेक्ट फॉर ऑल सर्वे सच एच सैम्पलिंग, फ्रेमिंग डिजाइनिंग सर्वे मेथोलॉजी मेथोडोलॉजी एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट एन ऑफिशियल सेट करके देखिए हर लेवल पर डेटा के कलेक्शन के लेवल पर डेटा के एनाइज एनालिस करने के लेवल पर हर जगह उसके प्योरिटी को एक को मेनटेन करने के लिए बेहतर करने के लिए ये प्रयास किया गया है द टर्म ऑफ द एस सी एस वॉज कमिंग टू एन एंड इन एनी केस सो इट वॉज टू एक्सपेंड द कमिटीज मैंडेट बियॉन्ड इकोनॉमिक डेटा एंड एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑन टेक्निकल आस्पेक्ट फॉर ऑल सर्वेज इसलिए इसको अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया और कहा गया कि आप सिर्फ इकोनॉमिक डेटा को ही एग्जामिन और एनालाइज नहीं करिए बल्कि आप सारे डेटा को करिए और वो इसलिए कहा गया कि डेटा एंड डिवाइस द एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स फॉर ऑल सर्वेज सच एज सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन सर्वे मेथडोलॉजी एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट कि सर्वे का जो मेथड है एनालिसिस का जो फाइनल स्टेज है कलेक्शन का जो प्राइमरी लेवल है इस सारे लेवल पर एकुरेसी को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के लिए यह रिवाइम किया गया है ए पार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग इशूज रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द सब्जेक्ट रिजल्ट एंड मेथडोलॉजी फॉर ऑल सर्वेज, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स टर्म्स ऑफ रिफरेंस इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा गैप्स that need to be filled by official statistics along with her strategy to plug those gaps it has also been mandated to explore the use of administrative statistics to improve data outcomes while the panel will help finalize survey results the nsc will have the ultimate authority टू अप्रूव द पब्लिकेशन ऑफ दोज रिजल्ट नेशनल स्टेटिस्टिक्स काउंसिल अब देखिए एन एस सी नाम से भी एक संस्थान है नेशनल स्टेटिस्टिक्स काउंसिल तो देखिए कितनी सारी बातें हुई सबसे पहले हमने यह जाना कि एक सी एस ओ है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक आईएसआई है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फिर आपने एक देखा कि एन एस ओ था नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस फिर आपने क्या देखा कि ए एन एस सी है नेशनल स्टेटिस्टिकल कमिटी और इन सब का काम क्या है ये सब नेशनल लेवल पर जैसे इसका काम है पब्लिकेशन क्या काम है पब्लिकेशन इसका काम क्या है एनालाइज करना एनालाइसिस इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट का क्या है ये मेथड डेवलप कर रहा है और सी केंद्रीय संगठन क्या है सबके बीच में ही क्या कर रहा है समन्वय कर रहा है तो ये कनेक्टर है ये सबका कनेक्टर है कोऑर्डिनेटर है तो इस तरह से सबके अपने अपने रोल हैं और इन सबके बावजूद लगातार सवाल उठ रहा था क्रेडिबिलिटी का सवाल था और हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग uh, भी नजर आ रहे थे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो और बाजार में जो दिख रहा है वो दोनों में अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि डाटा कलेक्शन की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है तो ये आज हमने आपको अपडेट किया एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक इशू के ऊपर सो दैट यू मे बी एबल टू काउंटर द क्वेश्चन इन फोर्थ कमिंग कॉम्पिटेटिव और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इट्स एक्सट्रीम एकट लेवल तो बहुत बहुत धन्यवाद और अपील है कि मेरा प्रयास बहुत ही सीरियसनेस के साथ आपके सामने आ रहा है लेकिन रिस्पॉन्स के लेवल पर मैं थोड़ा एक बार अपील करना चाहता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट ये बहुत शियल थिंग है सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए और वहां जो वीकनेस दिखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो दूर होगा क्योंकि ये वो चीज है जो हमें ज्यादा अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनाकर सामने लाता है तो सो इट मस्ट बी डन और अगली बार फिर मिलते हैं इसी तरह से एक किसी सीरियस इशू के साथ जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा कंफर्टेबल और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सेंस से लेवरेज कर देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए और उसको थोड़ा दिखाइए भी कमेंट के रूप में आपके तथ्य आने चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास अपना ऐप वगैरह नहीं है ताकि मैं प्रॉपर ढंग से पीडीएफ वगैरह या आपके सवाल ले सकूं तो कमेंट के जरिए ही हमें पता चला चलेगा कि एपिसोड में जो सीरीज चल रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट कितना फुलफिल हो रहा है या इसमें आप किस तरह का सुधार चाहते हैं और अभी जो हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है हमको जो अच्छा लगता है वही करता हूं लेकिन ये जरूरी नहीं है देखिए मैं आखिर कितना भी अपने को एक्सपर्ट मान लू आज के इस दौर में सब कुछ मल्टीडाइमेंशनल हो गया है तो हमारी परीक्षा की स्ट्रेटडी भी मल्टी डाइमेंशनल होनी चाहिए और इसमें आपका दृष्टिकोण आज हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैं तो उसको पैनी धार दूंगा आधार आप बना दो तो कमेंट में खुल के बोलिए सिर्फ औपचारिकता न निभाइए जो अच्छा लगा उसको अच्छा कहिए और जो बुरा लगा है उसको बुरा भी कहिए और कहाँ चीज़ें छूट गई उसको दिखाने की कोशिश करिए तो दैट्स ऑल उम्मीद करता हूँ कि इट वुड बी डन इन इट्स बेस्ट वे बाय ऑल ऑफ यू मेनी मेनी थैंक्स टू यू मेनी मेनी थैंक्स टू यू